ओम वंदे का मातर। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, मेरे कई दर्शकों ने ये प्रश्न किया है कि आप मेकअप में क्या इस्तेमाल करते हैं या आपका मेकअप क्या होता है, हमें बताइए। मैं आपको मेरा पूरा मेकअप करके बताऊंगी, मुंह धोने से लेकर मैं क्या लगाती हूँ, कैसे लगाती हूँ, मैं आपको सब करके बताऊंगी ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि ये मेकअप कितना होता है। ये पहले मैंने दूध लिया है, अभी मैं बाहर से आई हूँ तो मैंने पहले दूध लिया है और ये दूध थोड़ा सा लिया, कोई ज़्यादा नहीं लिया है, मैंने हथेली में आ गया है। अब इसको मैंने चेहरे पे लगा लिया है और ये ठीक से पूरे चेहरे को थोड़ा सा और ले लिया, कम लगा तो ये रगड़ लिया इस तरह। आप चाहें तो इसको बाद में रुई से भी साफ कर सकते हैं, पर मैं रुई से साफ नहीं करती हूं। इस तरीके से बस इसको करके इस तरीके से पूरा करके ये जहां जहां मुझे लगता है मैं उसको घिस देती हूँ। उसके बाद उसको मुंह को मुझे धो लेना है सारे जल से। ये मेरा चेहरा धो चुका है। मैं कभी भी ऐसे ऐसे नहीं पहुंचती क्योंकि उससे पहुंचने से वो जो चमड़ी के जो कण होते हैं ना, डेड स्किन जिसे कहते हैं, वो नहीं निकलता है। इसलिए चेहरे को कभी भी ठीक से पोंछे, रगड़ कर पोंछे ताकि सारी की सारी आपकी डेड स्किन निकल जाए। जब आप इस तरीके से इसको पोंछते हैं तो डेड स्किन जहाँ भी होती है सब निकल जाती है। और अच्छे से चेहरा सुखा लिया। चेहरा सुखाने के बाद आप चाहें तो दूध से मसाज 2-3 मिनट और भी कर सकते हैं। मुझे अभी जल्दी थी थोड़ी, इससे मैंने वो 1 मिनट में ही काम किया है और जहां गीला हो गया वो सारा सुखा दिया। उसके बाद इसको अच्छा स्थान पहुंचाकर अब सर्दियों का, ये सर्दियों की ऋतु है इसलिए इसको थोड़ा जरूरी हो जाता है ये मॉइस्चराइजिंग देना थोड़ा सा चेहरे को, नहीं तो चेहरा सूखा सूखा लगता है। वैसे दूसरे धोया तो उतना सूखा नहीं लगता है, ये बस थोड़ा सा क्योंकि मुझे चेहरे पे लगाना है अभी। और मैंने ये ले लिया है, ये देखिए कितना सा लिया है मैंने, आपको दिख जाएगा, 1 बूंद 2 बूंद, बस इतना सा चेहरे के लिए पर्याप्त हो जाता है। मैं इसी तरह से आपको मैंने कटोरी में मॉइस्चराइजर बनाना से बताया था, बस वही मॉइस्चराइजर मैं बना रही हूँ। ये मैंने बना लिया है, इसको लगाया, इसको पूरे चेहरे पे लगा दिया हल्के हाथ से। थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो पूरे चेहरे पे इसको मैंने लगा दिया है। ये देखिए चेहरे पे इसको सुखा दिया। मुझे छोटी बाहें अच्छी नहीं लगती हैं तो पानी में गना था इसलिए उसको फोल्ड किया था। ये लग चुका है, ये देखिए हो गया। ये पतंजलि का कुमकुम है, आपको बताऊं तो ये दूसरा भी मैंने लाके रखा है, ये इस तरीके से आता है, पतंजलि का है ये। इसको मैंने, ये नया है, ये थोड़ा कभी कभी जरूरत पड़ती है तो उसको इस्तेमाल करती हूँ, पुराने से काम होता है तो उससे काम चलाती हूँ। ये इतना मेरा घिस चुका है, इसको माथे पे यूँ रखा और ये घुमा दिया, ये मेरी बिंदी लग गई। और एक माचिस की तेल ले ली क्योंकि आईना कैमरे में भी है तो मैं आईपैड पे वीडियो बनाती हूँ जैसे मैंने कई बार बताया है, तो ये उसके नीचे एक छोटी सी बिंदी और लगा ली, शायद थोड़ी ऊपर हो गई है, ये थोड़ा नीचे लिया उसको मैंने। और उसके बाद इसी को, और कुछ नहीं लेती मैं, बस। और हाँ, बाल थोड़े करने हैं, बालों को क्या करना है, ये बाल जो अस्त-व्यस्त हैं थोड़े से उनको कंघी ली, कंघी घुमाई, उलझ गए कहीं, कंघी पूरी निकली नहीं थी इसलिए उलझ गए। हाँ, ये पूरे बाल हो गए और इनको पकड़ा, इनको पकड़ के बस एक गांठ मार दी
और उस गांठ को अटकाने के लिए, क्योंकि बाल स्लिप हो जाते हैं मेरे, सिल्की हैं तो, और ये लगा दिया। मैं तैयार हूँ वीडियो बनाने के लिए। बस यहाँ से चुन्नी थोड़ी सी खोल दी, इसको थोड़ा सा पीछे किया, ये थोड़ा सा लेवल आ गया। बस ओम वंदे मातरम, धन्यवाद वंदे मातरम। बस इतना सही मेकअप मेरा मेकअप होता है और सारा काम हो जाता है। मुझे तैयार होने में मुश्किल से 3 से 5 मिनट लगते हैं। हाँ, कपड़े पहनो तो उतना 1-2 मिनट का काम वो होता है। बस इतनी ही देर में प्रभा वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाती है। और बस ये अभी जाके बैठूंगी और आपके लिए आगे के वीडियो जो बनेंगे इसी तरीके से बनेंगे। आज इस कपड़े के आज के जो वीडियो हैं सारे साथ में बनेंगे। धन्यवाद वंदे मातरम।